स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपके परीक्षाओं से संबंधित आपके एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। ये डेली प्रैक्टिस सेट आपको लगातार दिया जा रहा है ताकि अभी से ही आप अभ्यास में बन जाएं। तो निरंतरता अभ्यास और सतत प्रयास करना ही आपका एक मान्य लक्ष्य होना चाहिए। और आपको बता दें कि देखिए, बिहार एसएससी के अलावा हम लोग यहाँ पर बिहार सिविल कोड के लिए भी प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं एप्लीकेशन पे। वहां जाइए और आप लोग टेस्ट अटेंड करना शुरू कीजिए। वहां डेली आपको लगभग एक सेट या फिर आपको कंप्लीट 20 सेट का प्रैक्टिस देने का हमने प्रॉमिस किया है, तो वो आपको पहुंचाया जाएगा, जहां पे हिंदी, अंग्रेजी और व्याकरण, उनके सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर, मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर से संबंधित जो भी सवाल आपके सिलेबस के आधार पे है वो तैयार करके इस टेस्ट पोर्टल में दिया जा रहा है। तो आप जाके वहां अटेंड कर सकते हैं, इसके पीडीएफ वहां पा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि बिहार कांस्टेबल का एग्जाम है, मद निषेध सिपाही भर्ती का, 16 अक्टूबर को, उसके लिए भी हमने 20 सेट आपको तैयार करके दे दिए। ये इस 20 सेट के आधार पे जो आप छात्र तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल अपने परीक्षा के पैटर्न पे ही ऐसे प्रश्न देखेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन आप अपने परीक्षाओं में देख पाएंगे। तो जरूर इसको अटेंड कीजिए 20 सेट को जाके। साथ ही साथ बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर 30 प्रैक्टिस सेट देने का वादा किया है, जो कि आपको लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर भी आपको वहां पे दिए गए हैं, आप उन टेस्ट पेपर को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ बिहार दरोगा की आने वाली उन तमाम भर्तियों को लेकर लगातार आपको अपडेट दिए जा रहे हैं। ये वैकेंसीज जो है 30 सेट के लिए आपको अपडेट किया जाएगा और यहाँ पे अभी 2 सेट ही डाला गया है, लेकिन आप लोगों के लिए बेहतरीन एमसीक्यूज वॉल्यूम 1 लेकर आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे अपने इस चैनल और एप्लीकेशन के माध्यम से। तो आप लोग यहाँ पे जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और इन सभी के जो पीडीएफ है और टेस्ट जो पोर्टल है आपको वाईटी एजुकेशन के एप्लीकेशन पे मिलेंगे। यही नहीं, अगर आप लोग हमारा वाईटी एजुकेशन का टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो इन सब के लिए लगातार आपको जो है टेलीग्राम पे भी अपडेट दिए जा रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको ये पीडीएफ मिलेगा, जैसे कि बिहार सचिवालय सहायक का ये 8वां सेट का पीडीएफ है, जहाँ पे 75 क्वेश्चन जो आपको यहाँ करवाए जा रहे हैं, यहाँ पे ये प्रश्न होंगे और नीचे इसका जो है आंसर दिया गया है एक जो है टेबल की फॉर्मेट में, तो वहां से आप लोग आंसर भी मिला है। यानी कि इसको प्रिंट करा के आप लोग खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जीके जीएस के लिए और करेंट अफेयर के लिए। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हम आप तक पहुंचाने का ये प्रयास कर रहे हैं अपने इस वीडियो के और चैनल के माध्यम से। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के इन प्रश्नों में कितने उत्तर आप सही कर पाएंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को कमेंट जरूर कीजिएगा। जितने भी लगातार छात्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको मैं बता दूं कि ये आपका निरंतरता से अभ्यास कराया जाएगा आपके परीक्षा तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सेट का। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। बिल्कुल, अगर आप उत्तर करें, देखिए भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में टोटल कितने पदक जीते हैं ये जान लीजिए, 19 पदक जीते हैं, एक तो पहली चीज फैक्ट है यहाँ पे, और जिसमें कि 5 स्वर्ण पदक है। 5 क्या है तो भाई गोल्ड है, और 8 जो है यहाँ पे दोस्तों क्या है तो सिल्वर है, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, और यहाँ पे 6 अगर बात करें तो ये आपका ब्रॉन्ज है, यानी कि कांस्य पदक है। ठीक है, तो ये आपका तालिका हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे टोक्यो पैरालंपिक 2020-21 में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो ये है दोस्तों याद रखिएगा अवनी लेखरा, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 2 पे आंसर कीजिएगा। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहां किया जा रहा है। बिल्कुल, हर सवाल का जवाब देना जरूरी है आपका, यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। 1 अक्टूबर 2021 से लेकर यहाँ पे देखिए 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन, 2020 बोला गया है इस बात का ध्यान रखिएगा, ये दुबई में कराया गया था, और आंसर यहाँ पे आप लोग ए कर लीजिएगा, इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे सवाल पूछेगा कि 2022 में जो हुआ है कॉन्क्लेव एक्सपो, वर्ल्ड एक्सपो, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये दोस्तों गुजरात भारत में हुआ था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन 2022 में। ठीक, और आपको बता दें कि गांधीनगर में हुआ था, जो कि राजधानी होती है गुजरात की, जहां पे रक्षा प्रदर्शनी आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी यहां पे झलकाया गया था, यह प्रधानमंत्री मोदी ने इसका अनावरण किया था। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकू मुल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हर सवाल का आंसर देने के लिए 2 से 3 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, ये महावीर चक्र दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्रालय के तहत यहाँ पे रक्षा अलंकरण समारोह के दौरान
वीरों को वीरता पुरस्कार से नवाजते हैं। और आपको बता दें कि गलवान घाटी में जो बहादुरी से चीनी सेना के साथ यहाँ पे जो कर्नल संतोष बाबू की मृत्यु हुई थी, ये शहीद हुए थे और ये महावीर चक्र से सम्मानित किए गए थे। यह सम्मान उन्हें मरणोपरांत दिया गया था। याद रखेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों चार पे। हाल ही में किस संस्था ने छात्रों की भाषा बाधा को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? हाल ही में किस संस्था ने छात्रों की भाषा बाधा को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान की लॉन्च की है? तो ये है दोस्तों आईआईटी बॉम्बे। जी हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। बॉम्बे दोस्तों आपको बता दें कि ये मुंबई का पुराना नाम है, और मुंबई जो है दोस्तों ये कहाँ की कैपिटल सिटी है? तो महाराष्ट्र की है, ये ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र की है। और यहाँ के जो सीएम है अभी एकनाथ शिंदे हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे हैं, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों पांच पे, आंसर कीजिएगा यहाँ पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को सुविधा में विस्तार के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? बिल्कुल, आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी मेरा राशन। नोट कर सकते हैं दोस्तों, आपको बता दें कि 30 अक्टूबर 2022 को मन की बात करते हुए मोदी जी ने यहाँ पे, जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 सितंबर 2022 को यहाँ पर भी बोला कि आप लोग मन की बात जरूर सुनेंगे, और इसका अपडेट दिया था दोस्तों, जी हाँ, जो कि आंसर है यहाँ पे मेरा राशन। जी हाँ, खाद्य सुरक्षा को लाभार्थियों को सुविधा के विस्तार को लेकर एक एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया है, इस एप्लीकेशन का नाम है मेरा राशन। सवाल नंबर चलते हैं छह पे दोस्तों, आंसर कर लीजिएगा। इसरो द्वारा 18 अन्य उपग्रहों सहित ब्राजील के अमेजोनिया को किस प्रक्षेपण यान के माध्यम से लॉन्च किया गया था? बिल्कुल, PSLV, नोट कर सकते हैं, C-51 इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। जी हाँ, ब्राजील के अमेजोनिया, जी हाँ, वन को यहाँ पे अंतरिक्ष यान से 18 अन्य उपग्रहों के सफलतापूर्वक ये प्रक्षेपण किया गया था। PSLV C-51 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं, और ये देखिए भारत की एजेंसी है दोस्तों इसरो, ये ध्यान रखिएगा, इसरो जो है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये स्पेस एजेंसी है, ये भारत की, और ये पहले मिशन में ही ब्राजील के अमेजोनिया को ये सफलतापूर्वक परीक्षण भी कराया था, जिसके साथ साथ 18 अन्य उपग्रहों को भी ये उड़ान भराया गया था। तो आंसर डी कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों सात पे, आंसर करेंगे। साबुन द्वारा ग्रीस का साफ होना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? साबुन द्वारा ग्रीस का साफ होना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? तो बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये पाइसीकरण कहलाता है। अगर आप उत्तर बी कर रहे हैं तो उत्तर बिल्कुल सही है, नोट कर सकते हैं, जी हाँ, पाइसीकरण इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली क्या है कि ये सूक्ष्म जीवों, गंदगी, ग्रीस, अन्य हानिकारक अवांछित पदार्थों को हटाने के लिए साबुन और पानी के साथ ये साफ किया जाता है, तो इसको पाइसीकरण कहते हैं, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर आठ पे चलते हैं, आंसर कीजिएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल बिछुआ को पत्तियों से स्रावित होता है जो कि दर्दनाक डंक का कारण बनता है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, यह है मेथोनोइक अम्ल, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, बिच्छू की तरफ से जो पत्तियों पे जो अम्ल छिड़का जाता है, ये देखिए मेथोनोइक अम्ल जो है उसके मुख से निकलता है, डंक से निकलता है, जो कि एक दर्दनाक डंक होता है। सवाल नंबर चलते हैं नौ पे दोस्तों, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन वेग प्रवणता की इकाई है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड लिखा हुआ, ये ध्यान रखिएगा, पर सेकेंड, नोट कर सकते हैं दोस्तों, ये आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 10 पे, आंसर करेंगे। एलईडी के एक पीएन जंक्शन डायोड है जो कि आगे के रास्ते में विद्युत प्रवाह से गुजरने पर प्रकाश का उत्पन्न करता है, एलईडी शब्द का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? बिल्कुल, इसको कहते हैं दोस्तों लाइट, लिख लीजिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड, क्या कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं दोस्तों, आंसर ए कर लीजिएगा यहाँ पर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ये क्या होता है एलईडी, तो ये अर्धचालक डायोड होता है जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित तो करती है पर यह प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है, जैसे कि लाइट आपको दिखने लगती है। आप घर में जो एलईडी बल्ब का उपयोग कर रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल है ये, नोट कर सकतेगा, जो कि पीएन जंक्शन डायोड है यह एलईडी, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 11 पे, आंसर करिएगा यहाँ पे। आसन निरासन, है ना, आसन न्यूरॉन्स जो है ये एक जोड़ी है जिसके बीच में सूक्ष्म अंतर जिस पर तंत्रिका आवेगी गुजरती है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, अंतर्गर्थन,
ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 12 पे आंसर कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में अधिविक्र ग्रंथियों का सही स्थान है? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में अधिविक्र की ग्रंथियों का स्थान है? तो आंसर यहां पे करेंगे इट्स अ गुर्दे के ऊपर वाला हिस्सा। जी हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 13 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? बिल्कुल आंसर कर सकते हैं दोस्तों, स्टार फिश जो है मछली का एक प्रकार नहीं है, यहाँ पे आंसर ए कीजिएगा। बाकी सी फिश है, यहाँ पे पाई फिश है, गिटार फिश भी है, यहाँ पे मछली के प्रजातियों में आता है ये सब, लेकिन जो है आपका स्टार फिश जो है ये नहीं आता है। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारत सरकार ने पूंजीगत बजट में शामिल नहीं किया जाता है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा। देखिए, जो केंद्र सरकार है अपने कर्मचारियों को जो वेतन देता है उसके बारे में कभी आपने बजट में नहीं सुना होगा। हाँ, इसके लिए प्रावधान बनते हैं संसद में, ठीक है, संसद उसको पारित करती है और उसको पेश भी करती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूंजीगत खरीद बजट होता है जो कि अभी 2021-22 के लिए अगर आप देखें यहाँ पे तो जो है 58% से बढ़कर अब जो 22-23 के लिए हो गया है, 22-23 के लिए हो गया है, ये 68% हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के कार्यों को रक्षा अनुसंधान विकास बजट 25% हिस्से की उद्योग स्टार्टअप और शिक्षा जगत के लिए खोल दिया गया है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। लेकिन यहाँ पे आंसर कीजिएगा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को लेकर यहाँ पे प्रावधान नहीं रहता है पूंजीगत बजट में। सवाल नंबर 15 पे चलते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करना था? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, यहाँ पे आंसर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको और नोट भी कर लीजिएगा, है ना। और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है 1956 से लेकर 1961 तक का था, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना होगा। सवाल नंबर चलते हैं 16 पे। हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? बिल्कुल जी हाँ, बांग्ला बोली जाती है, याद रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में सबसे ज्यादा देखे तो हिंदी वाला क्षेत्र है, हिंदी भाषी क्षेत्र है। अगर आप उत्तर भारत से देखें तो हर जगह है ना हिंदी बोली जाती है, बशर्ते इन कंपैरिजन दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में अगर आप मध्य प्रदेश से नीचे जाते हैं तो अलग अलग भाषाओं वाले अलग अलग राज्य हैं यहाँ पे, तो इसलिए जो है सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। और उसके बाद सबसे बड़ा क्षेत्रफल अधिग्रहण करता है दोस्तों जी हाँ बंगला, तो वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा आपको बंगाली बोली जाती है और ये पूरे भारत की दूसरी बड़ी बोली जाने वाली भाषा है दोस्तों, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं, उसके बाद मराठी है तीसरे नंबर पे, अगर पूछेगा तो ये मराठी है, याद रखिएगा, ये दूसरे नंबर पे है और हिंदी जो है आपका पहले नंबर पे है। सवाल नंबर 17 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश के साथ, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। लगभग 4096.7 किलोमीटर जो कि आपका ये डेटा है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे दोस्तों। माउंट एटना क्या है? बिल्कुल माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है, क्या है? एक ज्वालामुखी है। 18 का उत्तर यहाँ पे हम ए कर लेंगे, लेकिन ये पूछेगा कि ये किस देश की जो है ज्वालामुखी है, तो याद रखिएगा इट्स इटली इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे दोस्तों, आंसर कीजिएगा। प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ, बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों की सूची है, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अध्याय 4 जब आप लोग पढ़ेंगे इसमें, है ना, अध्याय 4 के प्रारंभ में ही ग्रंथों में महाजनपद के नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि जितने भी महाजनपद हैं ये नाम की सूची इन ग्रंथों में दी गई है, जैसे कि अगर 16 महाजनपदों के नाम पूछेगा तो लिखिएगा तो लिख लीजिए, मैं बोलता जा रहा हूँ इसको, है ना। वज्जी है, मगध है, कौशल है, कुरु है, पंचाल है, गंधार है, अवंती है, यहाँ पे आपको इन सभी महाजनपदों में इनके नाम शामिल किए गए हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 20 पे, आंसर कर लीजिएगा। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को किस लोकप्रिय रूप में जाना जाता है? जी हाँ, 1919 में हुआ था दोस्तों रॉलेट एक्ट,
ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रोलेट एक्ट जो है 1919 का अधिनियम जाना जाता है, जिसका बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ था, और इसको इसलिए अराजकता की क्रांति भी कहते हैं, और ये क्रांतिकारी आपराधिक अधिनियम इसमें बने थे, जिसमें कि भारतीयों को और क्रांतिकारियों के विरुद्ध में कानून बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, तो इसका सबसे ज्यादा विरोध हुआ दोस्तों, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं इसको। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे 21 पे आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा और सिंह अस्पा मनसब का नियम लागू किया था? तो वो मुगल बादशाह था, ये तो ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह के मुगल साम्राज्य की शुरुआत दोस्तों 1526 में की गई थी, किसके द्वारा? तो बाबर के द्वारा। बाबर ने यहाँ पर इब्राहिम लोदी को हराया और जो है यहाँ पे मुगल साम्राज्य की नींव डाली भारत में। और ये दोस्तों आपको बता दें कि पूछ रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था जो है, मनसबदारी व्यवस्था जहांगीर के समय में आई थी, तो यहाँ बी उत्तर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए अकबर के समय में ये जो सवा जो श्रेणी है या तो जात पात में बटी हुई थी और या तो बराबर अथवा कम होती थी, ये सारी चीजें, लेकिन जहांगीर आया और जहांगीर ने मनसबदारी पद्धति लाया। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि दो घोड़े यानी कि दो अश्व और तीन अश्व की श्रेणी में इसको बांटा था मनसबदारी प्रथाओं को, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ से क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है? बिल्कुल, आर्टिकल अगर आप लोग पढ़ते हैं 111, ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। और देखिए मैं इसके बारे में बता दूं कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 111 है ना, ये जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित किसी बिल को अपनी स्वीकृति से रोक सकता है, ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ पे। लेकिन अगर आप आर्टिकल पढ़िएगा यहाँ पर 87 का 1, ठीक है, तो उसमें उपबंध करता है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा है ना, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र में आरंभ के ही एक साथ जितने भी संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है और संसद के दोनों आह्वान भी कर सकता है, ये हमको 87 के एक खंड में बताया गया था। लेकिन इसके ऊपर स्वीकृति को रोकना, ये आर्टिकल 111 में वर्णित किया गया है। सवाल नंबर 23 पे चलते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? बिल्कुल आंसर करिएगा यहाँ पे दोस्तों, वित्त आयोग से संबंधित है, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, जो संविधान है हमारा, ये प्रारंभ में 2 वर्षों के भीतर और उसके बाद प्रत्येक हर 5 साल के इसकी समाप्ति पर यहाँ पे पहले जो होता था राष्ट्रपति होते थे उनको समझाया जाता था और उनको आवश्यकता समझने से वित्त आयोग का गठन किया गया था, ये 280 में इसका प्रावधान किया गया था, ठीक है। 2 वर्ष के बाद यानी कि आर्टिकल में सुधार किया गया, आर्टिकल 280 एक खंड में ये सारी चीजें भी बताई गई हैं वित्त आयोग के बारे में ही, जिसमें कि 5 वर्ष की समाप्ति पर या पहले उस समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझते हैं एक वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 24 पे आंसर कीजिएगा, किस भारतीय राज्य ने देश की पहली लोक अदालत का उद्घाटन किया था? किस भारतीय राज्य ने पहली लोक अदालत का उद्घाटन किया था? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, डिजिटल लोक अदालत भी आ चुका है ना, डिजिटल लोक अदालत भी आ चुका है, तो अगर ये पूछेगा डिजिटल जोड़ के है ना, तो ये लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है दोस्तों, राजस्थान बना है। अभी ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा भी गया था, ठीक है, राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया था 18वां अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की बैठक, जो कि नालसा के नाम से जाना गया उसको, नालसा के नाम से है ना, ये चेयरमैन यूयू ललित के द्वारा इसको गठित किया गया था, डिजिटल लोक अदालत। लेकिन ये पहली जो है, पहली लिखा गया है ना, पहली लोक, अच्छा पहली ई लोक अदालत है ये, है ना, ई लोक अदालत है, ई लोक अदालत, ये नोट कर लीजिएगा, सॉरी माफ करेंगे, है ना, पहली लोक ई अदालत, तो यहाँ पे आंसर तो आप लोगों को सी करना होगा, ये डिजिटल से ही संबंधित है, तो यहाँ पे राजस्थान कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे पहली बोलेगा लोक अदालत, तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ आंसर कीजिएगा वहां पे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 25 पे आंसर करिएगा यहाँ पे, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था? संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया था? तो ये आंसर कीजिएगा 25 का आप लोग यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर, 1976 के दौरान। ये देखिए आपको बता दें कि इसमें एक चीज और जोड़ा गया, जहां पर 6 से लेकर 14 वर्ष के उम्र के जो बच्चे थे उनको प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य किया गया, मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा गया था। और आर्टिकल जो है हमारा इस समय 1976 में जो है, ये 42वां संविधान संशोधन इसमें किया गया था, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा।
सवाल नंबर चलते हैं 26 पे। दुनिया का सबसे पुराना पशु जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया था? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, भीम बेटका के संबंध में पूरा पाषाण काल में मध्य पाषाण काल से जोड़ा कर देखा गया और यह एक नए अध्ययन की शुरुआत हुई भीम बेटका में। लिख लीजिएगा, ये भीम बेटका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। भीम बेटका जो है दुनिया का सबसे दुर्लभ और सबसे पुराना जीवाश्म यहाँ पे खोजा गया दोस्तों। शोधकर्ताओं के अनुसार ये बताया गया कि भारत में डिंकी सोनिया का पहला जीवाश्म मिला था, जो कि पृथ्वी का सबसे पुराना और लगभग 57 करोड़ वर्ष, है ना, 57 करोड़ वर्ष, लिख लीजिएगा, 57 करोड़ वर्ष पुराना जानवर था ये। आंसर कर लीजिएगा मध्य प्रदेश। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली हरित अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो आंसर कीजिएगा, गोवा इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें शुरुआत की जाती हैं, है ना। आपको बता दें कि जो मंत्रालय मंत्री हैं, विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्रता प्रभार मिला है इनको, उनका नाम है दोस्तों श्री राजकुमार सिंह, ठीक है। अब ये गोवा के लिए बनाया गया दोस्तों, ये पहला ये स्थापित किया गया है, आंसर सी करेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे। गोवा में 91वें IFFI के किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? जी हाँ, इन टू द डार्कनेस। इन टू द डार्कनेस, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है यहां से एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, ये कहाँ पे हुआ था? तो भाई गोवा में हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 29 पे। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्मस पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? ये कल भी एक क्वेश्चन बताया था इससे रिलेटेड कि एशिया का नोबेल किस अवार्ड को कहा जाता है, तो रेमन मैग्मस अवार्ड को कहा जाता है, और ये ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पे, आंसर कर लीजिएगा 29 का, जी हाँ डी, यानी कि फिरदोसी कदारी कादरी और आपका मोहम्मद अमजद साकिब, ये दोनों को दोस्तों ये अवार्ड मिला दिया गया था। ए इज द, बी इज द, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो है फिरदोसी जो है, ये जो है बांग्लादेश के संबंधित है, बांग्लादेश से संबंधित है, ये लिख लीजिएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा याद करने में। और ये साकिब जो है ये पाकिस्तान से थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के इन दोनों ही को अवार्ड से सम्मानित किया गया, रामेस मैग्नस अवार्ड, एशिया का नोबल अवार्ड ये कहा जाता है। सवाल नंबर 30, राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, राहुल रवेल इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं यहाँ पे, राज कपूर द मास्टर एट वर्क इस पुस्तक के लेखक है राहुल रवेल। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यह 2022 की लिखी हुई पुस्तक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन में डाला जा सकता है आपकी परीक्षाओं में। सवाल नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस ईंधन है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, लकड़ी इज द करेक्ट आंसर, जी हाँ। नोट कर सकते हैं, वैसे तो कोयला भी अगर रहता है यहाँ पे तो वो आपका रहता है, लेकिन वो वायु में जलने के बाद वाष्प में उड़ जाता है, ठीक है। काष्ठ कोयला कहते हैं, वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा और प्रकाश देता है, यह काष्ठ कोयला, ठीक है, रासायनिक प्रक्रम के आधार पे। लेकिन लकड़ी भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक ठोस ईंधन का उदाहरण है। सवाल नंबर चलते हैं 32 पे। निम्नलिखित में से किस सोडियम यौगिक का प्रयोग कठोर जल को मृद बनाने के लिए किया जाता है? जी हाँ, नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये उच्च TDS जो कि जल को कठोर जल के समानार्थी जो है बनाने का प्रयास किया जाता है, और वैज्ञानिक के प्रयोग के अनुसार TDS जल का मतलब होता है घुले हुए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, घुली हुई मात्रा से। तो आंसर कर लीजिएगा Na2CO3। सवाल नंबर चलते हैं 33 पे। एक समान वृत्तीय गति के त्वरण की दिशा क्या होती है? एक समान वृत्तीय गति, ध्यान रखिएगा, एक समान वृत्तीय गति जो कि इसकी त्वरण की दिशा क्या होती है, तो ये होती है बिल्कुल, जी हाँ, इसको कहते हैं अपलोड फोटो गेट एंड, जी हाँ, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, एक समान वृत्तीय गति के कण के त्वरण की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, जो कि वृत्त पर कोई भी अगर रेखा स्पर्श करती है ना, और एक समान गति यहाँ पे की हुई इसी पथ पे अगर किसी को गति दिया जाए तो कहीं ना कहीं उसको एक स्पर्श रेखा, एक सीधी लाइन देनी जरूरी होती है। वृत्त पर स्पर्श रेखा जो अनुदिश त्रिज्या के अनुदिश केंद्र पर और दूर वृत्तीय तल के लंबवत होती है,
तो यहां इसका सेंटर होगा और यहां से ये लंबवत होगा, तो वेग की लंबवत दिशा डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 34 पे चलते हैं। दिन के उजाले में मनुष्य की आंख किस रंग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, हरा इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। मानव नेत्र शरीर का अंग है जो कि विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति क्रिया करता है। वह इंद्रियां हैं हमारे शरीर की जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं, और ये दोस्तों हरा रंग, जी हाँ, किस रंग के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है? तो हरा रंग के प्रति। सवाल नंबर 35 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। यदि वर्णात पुरुष का विवाह समान स्त्री से हो जाए तो उसकी पहली पीढ़ी के बच्चों में क्या विशेषता होगी? जी हाँ, वर्णात पुरुष, बिल्कुल। देखिए, जिन व्यक्तियों में लाल तथा हरे रंगों का बोध नहीं होता है देखने को लेकर, उन्हें लाल और हरा जो वर्णाद तथा पीला और नीला रंगों का बोध ना हो, पीला और नीला वर्णाद आदि कहते हैं उसको, ठीक है। यानी कि जन्म के समय ही वर्णाद को हरे रंग की मात्रा की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, और ऐसे व्यक्ति को हल्के हरे और पीले रंग में अलग अलग बोध में कठिनाइयां होती हैं इसको डिस्टिंग्यूश करने में, यानी कि बांटने में। तो ये आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 35 का सभी बच्चे सामान्य होंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं, सामान्य होंगे, 36 पे आंसर कर लीजिएगा। शरीर के कोशिकाओं का क्या नाम है जो बैक्टीरिया जैसे बाहरी कणों को अपनी चपेट में लेती है? जी हाँ, फैगोसाइट कहते हैं इसको, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे फैगोसाइट इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। इनमें फफूंद से लेकर बैक्टीरिया, वायरस और आर्किया कोशिकाएं भी शामिल होती हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 37 पे। देखिए, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है, इस विकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेवार है? जी हाँ, सेक्स लिख दिया गया है, एक्चुअली ये एक्स क्रोमोसोम इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, एक्स क्रोमोसोम इज द करेक्ट आंसर। 37 का उत्तर कीजिएगा, जी हाँ, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। जो कि देखिए, माता पिता में किसी को अन्य बीमारी होने पर बच्चे को भी वो हो सकती है, ठीक है, किसी और कारण से वो बीमारी उनके अंदर जो है, जो हेरिडिटी के तहत आती है। हीमोफीलिया दो तरह का होता है, हीमोफीलिया ए और फैक्टर 8, या इनकी कमी के चलते हीमोफीलिया बी में घटक 9 की कमी होती है, जिसके चलते ये जो है अनुवांशिकी विकार उनमें पैदा होता है, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 38 पे दोस्तों। निम्नलिखित नदियों में से कौन है कि यमुना की सबसे सहायक नदी नहीं बोल दिया गया, यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये रामगंगा नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है, याद रखिएगा। बेतवा, चंबल, केन जो है, ये सभी यमुना की सहायक नदियों में से हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये आपके परीक्षा में पूछा भी गया था। सवाल नंबर 39 पे चलते हैं। सौर्यमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बी इज द करेक्ट आंसर, जी हाँ, नोट कर सकते हैं। सूर्य का पांचवा और हमारे सौर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, या मुख्य रूप से अगर देखें तो गैस का पिंड है जिसका द्रव्यमान सूर्य से 1000वें भाग के बराबर है, और सौर्यमंडल में मौजूद जितने भी ग्रह हैं अन्य 7 ग्रहों के अगर द्रव्यमान की बात करें तो उनका 2.5 गुना ये ग्रह है, यह बृहस्पति। अच्छा, बृहस्पति को शनि, अरुण और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, ये भी गैसीय ग्रह है और ये भी गैसीय ग्रह है, और आपका वरुण और अरुण भी जो है, नेपच्यून और प्लूटो, यहाँ पे जो है आपका नेपच्यून और वीनस जो है वो भी आपका जो है गैसीय ग्रह है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 40 पे। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे यह ओनम को संबंधित कर दिया गया है आंध्र प्रदेश से, ठीक है, तो याद रखिएगा ओनम कहाँ का लोक नृत्य है, सॉरी ओनम यहाँ पे देखिए जो है, बिल्कुल केरल का ही संबंधित, याद रखिएगा, और बिहू जो है असम से संबंधित है, पोंगल जो है ये त्योहार है एक्चुअली सब, है ना, और यहाँ पे लोक नृत्य भी इस तरह से होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। ये जो है ओणम जो है महाबली के नाम पे, असुर राजा था एक, उसी के नाम पे ये पर्व मनाया जाता है, और बैसाखी पंजाब में होता है दोस्तों, ये त्योहार है सारे, है ना, ये ध्यान रखेंगे। बिहू एक लोक नृत्य भी है असम का, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बी उत्तर कीजिएगा, जो कि सुमेलन गलत है, ओणम केरल से संबंधित है। सवाल नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशिष्ट पदार्थ का उदाहरण नहीं है?
जी हाँ, फ्यूजियामा डी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं, रसायन और विज्ञान और भौतिकी विज्ञान के पदार्थों के ये डिस्टिंग्यूज करता है दोस्तों, ठीक है, कि कौन अवशिष्ट पदार्थ है और कौन अवशिष्ट पदार्थ नहीं है। सवाल नंबर चलते हैं 42 पे। आरबीआई द्वारा जुलाई 2021 के महीने में निम्नलिखित में से किस बैंक को अनुसूचित बैंक की सूची में शामिल किया गया है? बिल्कुल याद रखेंगे, शिवालिक लघु वित्त बैंक इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 43 पे, आंसर करेंगे ऋण की चुनौती, अच्छा चुकौती है ये, चुकाना है ना, गारंटी के लिए एक उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है दोस्तों, जी हाँ, संप्रशिर्प, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 44 पे, आंसर करेंगे एलोरा की गुफा मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? बिल्कुल राष्ट्रकूट इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं, राष्ट्रकूट काल की कृतियां ये। महावीर स्वामी का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है, इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 46, भारत की आजादी मिलने के बाद कांग्रेस के किस नेता ने यह कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 46 का आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने ये कथन कहे थे, ठीक है। 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद श्री देसाई कांग्रेस के संगठन के साथ रहे और वे आगे भी पार्टी की मुख्य भूमिका में निभाते रहे। 1971 में संसद में फिर चुने गए थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे भारत को आजादी मिलने के बाद ही कांग्रेस को यह समाप्त करने की बात कही थी महात्मा गांधी ने। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 47 पे, भक्त तुकाराम किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? जी हाँ, बी जहांगीर इज द करेक्ट आंसर। इनके समकालीन थे तुकाराम, मुगल सम्राट समकालीन जहांगीर थे ये तुकाराम। सवाल नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र में नहीं आता है? जी हाँ, राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र में नहीं आता है दोस्तों, सी गोवा इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। संघ यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जा रही है यहाँ पे, ये जितने भी हैं यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है आपके, और ये गोवा जो है एक स्टेट है, तो आंसर सी कर लेंगे यहाँ पे। सवाल नंबर चलते हैं 49 पे, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? बिल्कुल केंद्रीय मंत्री, महान्यायवादी, राज्यपाल, ये तीनों रह सकते हैं, आंसर डी कर लीजिएगा, ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न का कार्यकाल एक अधिकार द्वारा संभाला जाता है दोस्तों, जिनका जो कि उनका पद धारण करता है और भारत के संविधान के द्वारा जो निर्धारित आवश्यक कर्तव्य होते हैं उसको पालन करता है। तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी पूछा गया था, एसएससी सीजीएल में भी। सवाल नंबर 50 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 153 से संबंधित है? बिल्कुल सी राज्यपाल इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं के संबंधी प्रतिवेदनों उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष रखा जाता है जो कि उनके राज्य के विधानमंडल और समक्ष रखवाए जाते हैं। आर्टिकल 153 का उपयोग किया जाता है यहाँ पे राज्यों के राज्यपाल, जो कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा यहाँ पे उपबंध यहाँ पे 153 में बताया गया है। सवाल नंबर चलते हैं 51 पे, आंसर करेंगे रोज मेटल संगठक क्या है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 51 का इट्स अ डी, ये कांस्य हो सकता है, टीन हो सकता है, शीशा हो सकता है, डी इज द ऑल ऑफ एबव्स इज करेक्ट। सवाल नंबर 52 पे चलते हैं, एरोसोल की प्रवाह दर इकाई क्या है? एरोसोल की प्रवाह दर की इकाई है दोस्तों, याद रखेंगे यहाँ पे, जी हाँ, मीटर पर मिनट भी है, डिग्री पर मिनट भी है और लीटर पर मिनट भी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं, क्योंकि एरोसोल क्या होता है, एरोसोल हवा चाहे जी हाँ कोई भी एक गैस हो सकती है जो कि ठोस कण और फिर द्रव में भी बदलती है। देखिए 53 का आंसर करेंगे, प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल बनाने वाले निम्नलिखित घटक कौन से हैं? बिल्कुल वनस्पति तेल से भी बनते हैं, पेट्रोलियम से भी, और कॉर्न स्टार्च से भी, तो यहाँ पे भी आंसर डी कीजिएगा, ऑल ऑफ एबव। सवाल नंबर 54 पे चलते हैं, आंसर करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रसायन डायनामाइट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? ग्लिसरीन ट्राइटनेट। नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, सी इज द करेक्ट आंसर। डायनामाइट के निर्माण में इसका उपयोग होता है, ठीक है, नाइट्रो ग्लिसरीन भी कहते हैं इसको, और ये दोस्तों इसकी जो विशेषता
वेधन होती है, यानी कि सुग्राहिता जिसको कहते हैं, वो कम करने के लिए इसमें किसिंगर भी मिलाते हैं, है ना, किसिंगर भी मिलाते हैं, उपयोग किया जाता है। अमरीका में किसिंगर का स्थान जो है काट चूरा या काट समिता या सोडियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं इसमें ज्यादातर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हम सी कर लेंगे, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर 55 पे चलते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में कौन सा सबसे तीव्र टिंडल परिकीर्ण प्रदर्शित करेगा? तो आंसर दीजिएगा दोस्तों नीला रंग, डी इज द करेक्ट आंसर। या टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश किसी भी, है ना, केमिकल मिक्सचर कहते हैं इसको, टिंडल प्रभाव को, है ना, जब प्रकाश किसी भी कोलाइडी माध्यम से प्रकाश के इस घटन में टिंडल प्रभाव इसको कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से जुड़ा हुआ, टिंडल के बारे में पूछा भी गया था। जब प्रकाश किसी भी कोलाइडी यानी कि केमिकल मिक्सचर के माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का परिकीर्ण होता है, तथा प्रकाश का मार्ग क्या होता है, वो दिखाई देता है, दिखाई देने लगता है, और प्रकाश के इस घटन को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, है ना, सिंपल सा परिभाषा है। सवाल नंबर 56 पे चलते हैं। कौन सा रसायन गुड स्पिरिट के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल, मिथाइल अल्कोहल इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, फटाफट देखते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 57 पे चलते हैं। दूध के परिरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल, फॉर्मिलिन बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं 58 पे दोस्तों, आंसर करेंगे यहाँ पे। दिष्ट धारा स्थायी चुंबक के समय समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है या चुंबकीय क्षेत्र? बिल्कुल, याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे ए यानी कि यूनि डायरेक्शनल है और इसका परिणाम स्थिर है, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 59 पे। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है? तो आंसर कीजिएगा अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव कम होता है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं 60 पे दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है सही सही कूट बताना है, ठीक है, जहाँ पे भौतिक मात्रा और उसकी इकाई दी गई है, तो मैच करते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 60 का, और नीचे कूट दिया गया है। ठीक है, तो त्वरण को हम लोग करेंगे दोस्तों मीटर पर सेकेंड से, बल को न्यूटन से, कार्य को जूल से, और आवेग को दोस्तों यहाँ पे 25 सेकेंड क्यों लिखा गया भाई, 4-3-2-1 होना चाहिए, है ना, कार्य को जूल के, और हाँ 4-3-1-2 इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट, आवेग है ये, आवेग जो है ना, आवेग या वेग कह लीजिए, है ना, पर सेकेंड यहाँ पे होना चाहिए था। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, डी आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे। सवाल नंबर 61 पे, रेडियो तरंगे संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की परत है? बिल्कुल, आयन मंडल में रेडियो तरंगों का संचरण हो सकता है। सवाल नंबर चलते हैं 62 पे, आंसर कीजिएगा यहाँ पे। डीसी मोटर के लिए फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के अतिरिक्त कौन सा प्रमुख घटक आवश्यक है? बिल्कुल, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स, जी हाँ 62 का आंसर कीजिएगा, कम्यूटेटर, है ना, कम्यूटेटर। डीसी मोटर में बहुत से अधिक आपस में संबंध जो चालक बनते हैं वो तंत्र आर्मेचर कहलाता है और आरोपित होता है इस पे, है ना। आर्मेचर जो है नरम लोहे की बहुत सी पट्टियां होती हैं, प्लेट्स होती है जो कि जोड़कर बनता है, और बेलनाकार होता है ये, ठीक है, चारों ओर खांचे बने होते हैं उसके कांटे के, और ये चालक होता है समूहों का, कुंडली अथवा दंड भी कहते हैं इसको, ठीक है, कम्यूटेटर कहते हैं इसको, ए इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 63 पे दोस्तों, कौन सा न्यूनतम संभव तापमान है? तो आंसर कर लीजिएगा, इट्स सी, -273 डिग्री सेल्सियस जो है सबसे न्यूनतम तापमान है ये, याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 64 पे, आंसर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की है? बिल्कुल, हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे दोस्तों। विद्युत धारा प्रवाहित होती है एक चुंबकीय प्रभाव के चलते, और इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व तो एक दूसरे से संबंधित हैं, इसको खोज किया हैंस क्रिश्चियन और ओस्टेड ने। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 65 पे, ध्वनि की गति है इसके बारे में जो कथन दिए गए हैं इसको कौन कौन सही है बताना है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे यंग के माध्यम से मापक के वर्गमूल के सीधे अनुपाती होती है, गलत बात है यहाँ पे, ठीक है, और एक ही तापमान पर हवा की तुलना में पानी में अधिक होता है, ठीक है, ध्वनि जो है एक ही तापमान पर हवा की तुलना में
पानी में अधिक होता है, ये कथन यहाँ पे सत्य है। तो केवल दो कथन यहाँ पे हम सत्य करेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 66 पे दोस्तों। धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं, कोमल, लचीला या उष्मा और बिजली के कुचालक? तो 66 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, जी हाँ, ये कोमल होती है और लचीली होती है। तो एक और दो ही उत्तर आपका सही है, ठीक है, इसलिए आपका उत्तर ए हो जाएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 67 पे। किस प्रकार के रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? आंसर कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ लाल रंग, ठीक है, लाल प्रकाश। सवाल नंबर चलते हैं 68 पे। समाज के कामकाज और विकास का विज्ञान क्या कहलाता है? 68 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, जी हाँ, मनोविज्ञान कहलाता है। डी इज द करेक्ट आंसर, मनोविज्ञान, सॉरी माफ करेंगे, समाज शास्त्र का है ना, मनोविज्ञान तो साइकोलॉजी सोशियोलॉजी यहाँ पे होगा। समाज के कामकाज और उसके विकास का विज्ञान कहलाता है दोस्तों, जी हाँ, समाज शास्त्र। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे 69 पे। एस्ट्रोजोन और एंड्रोजोन हार्मोन को जो यौन विकास और कार्य को नियंत्रित करते हैं, संरचनात्मक रूप से संबंधित हैं? बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल से इसको कहते हैं, याद रखेंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 70, जब चींटियां काटती हैं तो वो अंतः क्षेपित करती हैं कौन सा अम्ल? तो याद रखेंगे फॉर्मिक अम्ल, सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 71 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों शैवाल, बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में, तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लीजिएगा। चमड़े का प्रमुख घटक क्या होता है? तो ये है कार्बोहाइड्रेट, ई सॉरी कोलोजिन, यहाँ पे ऑप्शन तो है, याद रखेंगे ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। ए इज द कोलेजन इज द करेक्ट आंसर, जो कि चमड़े का प्रमुख घटक है ये। सवाल नंबर चलते हैं 73 पे। एड्स के कारण क्या होता है? एड्स किसके कारण होता है, या एड्स जो है कारक होता है वायरसेस के चलते? जी हाँ दोस्तों, 73 का आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स जो है दोस्तों 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे, और इसका फुल फॉर्म आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन फुल फॉर्म वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। पौधे में अधिकतम वृद्धि कहां पर होती है? बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों यहां पे, तने के शीर्ष पर, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 75 पे। कीड़ों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों, जी हाँ, कीट विज्ञान, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है 75 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं मित्रों, जहाँ पे हमने देखे, जी हाँ, जीके से संबंधित क्वेश्चन, जीएस से संबंधित प्रश्न, करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न, जो कि 75 नंबर आपके जो 75 क्वेश्चन जो है यहाँ पे संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 150 मार्क्स का ये कम सॉरी 300 मार्क्स है ना, 300 मार्क्स, ठीक है, 300 मार्क्स का यहाँ पे कंप्लीट किया आप लोगों ने। 75 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग से हैं, जो कि आपको, जी हाँ, संबंधित होंगे 300 मार्क्स के, वो भी क्वेश्चन जहाँ पे आपको 50 रीजनिंग के और 25 जो है मैथमेटिक्स से होंगे, जिसके लिए हमने आपका टेस्ट पोर्टल बना रखा है। आप वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहिए, वहाँ पे डेली आपको एक लगभग प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। अभी तक वहाँ पे करीब 16 सेट तैयार करके दिए जा चुके हैं, टोटल 30 प्रैक्टिस सेट देंगे, जो कि YT एजुकेशन की तरफ से अपडेट किया जा रहा है। और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं आप लोगों के विश्वास की बात होती है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, निरंतर अभ्यास कीजिए, सतत प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। और यही नहीं, हम लोग आपको टेलीग्राम पे जो क्यूज करा रहे हैं, उस क्यूज को भी अटेंड करें। बिहार सिविल कोर्ट की वैकेंसी आई हुई है, यहाँ पे स्टेनो क्लर्क और कोर्ट रीडर की वैकेंसी के लिए हमने टेस्ट शुरू किया है। प्यून के लिए आप लोग ज्यादा ज्यादा कमेंट कीजिएगा, तो प्यून के लिए भी टेस्ट हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। बाकी कांस्टेबल का जिनका एग्जाम है 16 अक्टूबर को, ऑल द बेस्ट है, ये 20 सेट लगा के जाइएगा, मजा आ जाएगा आपको। फिर बिहार ऐसे सीजीएल के लिए 30 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, और बिहार दुर्गा के लिए भी 30 सेट देंगे, तो जल्दी जुड़िए हमारे साथ, हमारे YT एजुकेशन के एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है और आपको PDF भी वहाँ पे अपडेट किया जा रहा है।